इन दिनों लहसुन की नई उपज आने लगी है। इसके साथ ही मंडियों में भी नई लहसुन की आवक देखने को मिल रही है। लेकिन भाव की बात की जाए तो गत दिनों से भाव में कुछ नमी आई है। ऐसे में किसानों के चेहरों पर मायूसी है। गौरतलब है कि कई सालों के बाद लहसुन के भाव में भारी उछाल आया था, जिससे किसान खुश थे क्योंकि पुरानी लहसुन के अच्छे भाव मिल रहे थे। लेकिन पिछले एक सप्ताह से मंडियों में नई लहसुन की आवक आनी शुरू हो चुकी है। ऐसे में गीली लहसुन होने से भाव में कमी आई है। दरअसल गत दिनों से भाव में लगातार गिरावट देखने को मिली है, लेकिन पिछले दो दिनों से कुछ भाव उठते भी दिखाई दिए हैं। चलिए आज आपको लिए चलते हैं इंदौर की मंडी में और जानते हैं कि आज इंदौर की मंडी में भाव कैसे रहे। देखिए हमारे संवाददाता नमन की ये रिपोर्ट। 25,000 की दवा डली है। नमस्कार, मैं हूँ नमन मटके और आप इस वक्त हैं चोइथराम सब्जी मंडी में, जहाँ पर अभी हम लहसुन की जो मंडी है उसमें खड़े हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं लहसुन की जो आवक है वो लगातार जारी है। इन दिनों लहसुन के जो दाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, और कहीं ना कहीं ऐसी बाजार में चर्चा है कि जो लहसुन के दाम लगातार बढ़ रहे हैं उससे लहसुन के जो किसान हैं उनको कहीं ना कहीं फायदा होता भी नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में ये जो चोइथराम सब्जी मंडी है ये सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है, और यही कारण है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से किसान अपने अपने फसल लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं। लहसुन की फसल की बात की जाए तो लहसुन की फसल भी इंदौर के आसपास के जो जिले हैं वो वहाँ से जो है लहसुन की फसल आती है, फिर मंडी से जो है लहसुन की फसल यहाँ से अलग अलग क्षेत्रों में पहुँच जाती है। वर्तमान में यदि हम बात करें तो लहसुन के जो दाम है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, कभी कभी दाम घटते भी हैं। आज के यदि हम दामों की बात करें तो आज 100 रुपये के आसपास से जो है लहसुन शुरू हुआ, तो वहीं वो 180-200 रुपये के आसपास तक जो है वो जा पहुंचा, जिससे किसानों को फायदा होने की भी संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। यदि बात की जाए तो अब आने वाले दिनों में भी लहसुन के जो दाम है वो लगातार बढ़ेंगे, और लहसुन के दाम बढ़ने से किसानों को जो है वो फायदा होता नजर आएगा। व्यापारियों की बात करें तो व्यापारी भी लहसुन के लगातार जो दाम बढ़ रहे हैं उससे खुश नजर आ रहे हैं। व्यापारियों का स्पष्ट तौर पर एक मानना है कि लहसुन के जो लगातार दाम बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं फायदा होता नजर आएगा। किसानों से जब हमारी बात हुई तो किसानों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि लहसुन के जो दाम बढ़ रहे हैं उसके पीछे की एक प्रमुख वजह यह भी है कि जितनी लागत हो रही है, यानी जितनी जगह पर लहसुन बोई जा रही है, यानी मान लीजिए 15 बीघा में लहसुन बोई गई तो अब की बार जो लहसुन का उत्पादन हुआ, जो लहसुन सामने आई, वो लगभग 8 बीघा या 10 बीघा में आई। तो कुल मिलाकर किसानों का मानना है कि लहसुन के कारण उन्हें थोड़ा बहुत नुकसान भी झेलना पड़ा है, और जिस तरह से भाव जो बाजार में बताए जा रहे हैं वो नाकाफी भी वो कहीं ना कहीं बता रहे हैं। उनका ऐसा मानना है कि लहसुन के दाम तो लगातार बढ़ रहे हैं लेकिन किसानों को नुकसान भी जो है वो उतना ही उठाना पड़ा है, जिसके कारण जो है कहीं ना कहीं जितने भाव मार्केट में नजर आ रहे हैं उतना किसानों को फायदा होता नजर नहीं आ रहा। लहसुन की यदि हम बात करें तो लहसुन आने वाले दिनों में और तेजी होने की यहाँ पर संभावना किसान जता रहे हैं। किसानों का मानना है कि अब की बार उत्पादन कम हुआ है, इस कारण से लगातार जो है लहसुन के दाम भी बढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में तेजी भी जो है वो लहसुन में के दामों में देखने मिल सकती है। ये चोइथराम मंडी है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं लहसुन की मंडी है। यहाँ पर पीछे जो है वो लगातार किसान आ रहे हैं, अपने अपनी फसल लेकर के आ रहे हैं। व्यापारी जो है वो उनसे बातचीत कर रहे हैं, उसके बाद जो है वो लगातार दाम लगने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। अलग अलग जगह से किसान आए हैं, सुबह से ही किसानों के आने का सिलसिला जो है वो यहाँ पर शुरू हो गया था, और जो है अब देर तक यहाँ पर किसानों के आने का सिलसिला जारी है। और किसानों के चेहरे पर खुशी भी आप देख सकते हैं, क्योंकि लहसुन के दाम लगातार बढ़ रहे हैं तो उसकी खुशी भी जो है साफ तौर पर किसानों के चेहरे पर हमें यहाँ पर देखने मिल रही है। इंदौर से नमन मिट्टी। जैसा कि नमन ने बताया कि मंडी में आवक अच्छी खासी देखने को मिल रही है, वहीं आज अगर भाव की बात की जाए तो नीचे में 100 रुपये के आसपास भाव देखने को मिले और ऊपर में 140 से 150 रुपये तक की बोली लगती हुई दिखाई दी है। आइए अब जानते हैं ट्रेडर से कि उनका क्या कहना है लहसुन की कीमतों को लेकर। नाम क्या था? हाँ, कमल पाटीदार नाम है, बदनार के पास गाँव है हमारा। लेके तो मैं लहसुन लेके आया हूँ। क्या भाव चल रहा है? लहसुन जैसा बाजार ऐसा भाव 8,000 से लगा के 15,000 तक है ऊंचे में, पर इस बार उत्पादन थोड़ा कम आया, 10 क्विंटल 11 क्विंटल। कौन सी क्वालिटी का लहसुन लेके? ये हमने लगाया था D4A और वो G2 वेराइटी है, थोड़ा कम निकला। इस बार खर्चा भी ज्यादा हुआ, मौसम साथ नहीं दिया, कोहरा धुंधल बारिश। आज लहसुन के बाजार कल की तुलना में आज थोड़ा 5-10 रुपये डाउन खुला है। मीडियम माल 70 रुपये से लगा के 100 रुपये तक, और एक्स्ट्रा मीडियम पूना लड्डू 120 लगा के 135 रुपये, फूल गोला 140 से 160 रुपये, और ऊटी वगैरह एकदम एक्स्ट्रा साइज 180-190 रुपये। कल की तुलना में 10 रुपये डाउन है लहसुन।
अराइवल भी 3,500 कट्टे थोड़ी बड़ी हुई आज मंडी के अंदर, हमारी इंदौर मंडी में। बहरहाल आज लहसुन की इंदौर मंडी में भाव में हल्की नरमी देखने को मिली है और भाव नीचे में 70 रुपए से लेकर ऊपर में 180 रुपए किलो तक देखने को मिले हैं। दरअसल आवकों के प्रेशर की वजह से भाव में हल्की कमजोरी देखने को मिली है। ऐसे में अगर देखा जाए तो बाजार जानकार ये मानकर चल रहे हैं कि अभी लहसुन में तेजी आना बाकी है। दरअसल अराइवल प्रेशर के चलते कीमतों पर हल्का दबाव बना हुआ है, जिसके चलते देश भर की मंडियों में लहसुन की कीमतों में हल्का प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन उम्मीद यही है कि आगे चलकर लहसुन की कीमतों में तेजी बन सकती है, क्योंकि आगे चलकर निर्यात मांग बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है।